492 साल के बाद भारत में राम मंदिर की पुनर्स्थापना हुई है अयोध्या में, और आज मैं अयोध्या में हूँ। और अयोध्या की इस नगरी में आकर के जब कभी कोई पहले अयोध्या आया होगा और आज अयोध्या आ रहा है, उसमें आसमान जमीन का अंतर है, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी। ये अयोध्या आज मानो प्राचीन अयोध्या लग रही है, जहाँ भगवान श्री राम 14 साल के बाद वनवास से वापस आए और दीपावली मनाई गई। आज 492 साल के बाद भगवान श्री राम की पुनर्स्थापना हुई है, और ये पुनर्स्थापना के साथ 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की ऐसी भव्य और दिव्य तैयारी अयोध्या में है। और ये केवल अयोध्या में नहीं है, भारत के कोने कोने में इस महादीपावली को मनाने की तैयारी हो रही है। और साथ साथ यह भी है कि भारत की जनता, भारत के लोग और पूरी दुनिया के सनातन संस्कृति के लोग आज केवल और केवल एक ही बात कह रहे हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। आज कोई किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, सभी भगवान राम के इस महोत्सव में पूरी दुनिया में जा कर के आप इस उत्साह को देख सकते हैं, उमंग को देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भगवान राम की ये प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को मनाई जा रही है, भारत के राष्ट्रवाद के उदय के रूप में और भारतीय सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापन के रूप में देखा जाएगा। और यह समय प्रत्येक भारतीयों के लिए केवल गौरव का विषय नहीं है, यह जोश से बना है, परंतु होश होगा तो बना हुआ चीज और बना हुआ मंदिर टिकेगा भी। मैं भारतीयों से यही निवेदन करूँगा, इतना हालात सरयू जी के तट पर, पीछे वो मंदिर के गुंबद आप देख सकते हैं, प्राचीन अयोध्या, प्राचीन भावना, प्राचीन संस्कृति इस राष्ट्र में पुनः गौरवान्वित हो रही है। भक्ति टीवी के माध्यम से जो भी लोग पूरे स्थान में इसको देख रहे हैं, उन सब के दर्शक को मैं बहुत बहुत आनंद आह्लाद, जय सियाराम। और अपने घरों में भी ऐसे ही रामोत्सव मनाइए, दीपक जलाइए, लाखों करोड़ों की संख्या में जहाँ है, घर में, परिवार में, बाजार में, संसार के किसी भी कोने में हैं, आप इस महोत्सव को मनाइए। ये कोई साधारण महोत्सव नहीं है, भारत के राष्ट्रवाद और राम राज्य की आगमन का ये शुभ संकेत है। मैं पुनः पुनः ये कहता हूँ, किसी विवाद में मत पड़िए, केवल और केवल देखिए इस सरयू के अविरल तट को, सरयू माता बह रही हैं, वैसे ही सनातन की संस्कृति अब बह रही है, वैसे ही राष्ट्रवाद अब बह रहा है। और ये पक्का है कि जब तक गंगा, यमुना और ये सरयू मैया ऐसे बहती रहेंगी, सरयू के तट से नवीन भारत का, सनातनी भारत का और श्रेष्ठ भारत का विश्वगुरु होने की उद्घोषणा हो चुकी है। आपको भी बारंबार इस महामहोत्सव में निमंत्रित किया जा रहा है, निमंत्रण इस बात का है, जहाँ भी रहिए 22 तारीख को, 14 साल के बाद इतनी बड़ी दीपावली मनी, तो 492 साल के बाद जो राम मंदिर बना है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी दीपावली तो ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया में नहीं बल्कि देवी देवता भी ऊपर से देखें कि अयोध्या नहीं, पूरी दुनिया आज अयोध्या बन गई है। और ये दिव्य अवसर को, उत्सव को उत्साह के साथ मना रही है। मैं आप सबको पुनः सबको बधाई शुभकामना देते हुए इस अयोध्या सरयू तट से सब देखने वालों को भगवान राम का आशीर्वाद भेजता हूँ। प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और इस रामोत्सव को भव्य और दिव्य तरीके से मनाइए। जय सियाराम, जय अवध।